इस फिगर में हम काउंट करते हैं कि कितने पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं और 10 में से एक ही पार्ट शेडेड है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि शेडेड पोर्शन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 1/10। तो यहाँ पर जो ये 10 आया, ये कहाँ से आया? ये जो आपने काउंटिंग की थी इधर से, टोटल से। और ये 1 कहाँ से आया? जो आपका शेडेड पार्ट है यहाँ से, क्योंकि एक ही पार्ट शेडेड था। बट अगर आपसे पूछा जाए जो शेडेड नहीं है, अनशेडेड है, वो कितना पार्ट है, वो उसका हिस्सा कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 9/10। क्यों? क्योंकि अनशेडेड इज़ 9 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पार्ट्स अनशेडेड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा? जिसके बारे में बात हो रही है उतने पार्ट्स। और डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जो सारे टोटल हैं वो वाले। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड फिगर के ऊपर। इसमें देखते हैं यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें पता चल गया हमारा डिनोमिनेटर 6 होगा। अब हम लिखते हैं शेडेड। शेडेड कितने हैं यहाँ पे? शेडेड है ओनली 1 पार्ट, तो हम लिखेंगे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/6। अनशेडेड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड कितना हुआ? 5/6। नेक्स्ट फिगर, यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 और 2 पार्ट्स, तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया 2। आउट ऑफ 2 शेडेड कितने हैं? ओनली 1, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/2। अनशेडेड कितने हैं? वो भी 1 है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/2। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा, वो उसका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 11। अब 11 में से एक ही पार्ट शेडेड है, तो आंसर आया 1/11। अनशेडेड 10 है, तो 10/11। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा शेडेड होते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछते कि शेडेड पार्ट कितने हैं, तो डिनोमिनेटर अभी भी 11 रहेगा, बट शेडेड कितने हुए यहाँ पर? काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर हो गया 5/11 इज़ शेडेड। एंड नॉन शेडेड कितना हुआ? जो रह गए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर आ गया 6/11। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ हो गया 7। यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, ऐसे हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, जब हम अनशेडेड की बात करते हैं, हमारा लैंग्वेज क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, आपको लैंग्वेज के साथ भी फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये तो तरीका हो गया कहने का, तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो अब मैं इसी लैंग्वेज में बोलूँगी, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट हमारा हो गया 1/7 और फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट हो गया 6/7। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पे 1 था और ये 9 था, इनका टोटल 10 था। ठीक है, 1 और 5 टोटल 6 था, जो कि डिनोमिनेटर है। 1 और 1 टोटल कितना हो गया? 2। यहाँ पे 1 और 10 टोटल कितना हो गया? 11। 1 और 6 टोटल कितना हो गया? 7। इसका मतलब शेडेड एंड अनशेडेड बना के टोटल हुआ, और एक्चुअली में देखा जाए तो यही तो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, 1, 2, 3 टोटल 3 है, शेडेड 1 है, अनशेडेड 2 है, तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट हो गया 1/3, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट हो गया 2/3। यहाँ पर
हमारा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 1/12 फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट 11/12. तो अब अनशेडेड पार्ट निकालने के लिए हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में कैसे. हमने यहाँ पे काउंट किया शेडेड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट हमारा हो गया 1/8. अब अनशेडेड निकालना है तो अब क्या करोगे आप, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि आपको मालूम है टोटल यही आना है. तो आंसर क्या हो गया आपका, 7/8. अब एक निकल गया तो दूसरा आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, तो आपका हो गया शेडेड पार्ट 1/4, अनशेडेड पार्ट 3/4. आपने यहाँ पर भी 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 4-1=3. ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है. तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट 1/9, और फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट हो गया 8/9. ठीक है, तो ये एक तरीके से आपकी मेंटल मैथ्स हो गई. आप देखते ही बता सकते हो. अब नेक्स्ट लास्ट वाले में मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, अपने माइंड में काउंटिंग करेंगे, तुरंत आंसर लिखेंगे इंस्टेंट. तो हमारे पास आ गया 1/5 एंड 4/5. 1/5 हमारा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट है, 4/5 फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट है.